गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, पावरिंग एजुकेशन, एम्पावरिंग माइंड। Everybody dreams of future. We need universities that cater to the diversities. A university where future is present. Welcome to Gita University. Future is here. Gita University, Panipat, powering education. Empowering minds. आज पानीपत में सीएम फ्लाइंग व एग्रीकल्चर की जॉइंट टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर पानीपत के संत नगर में एक मकान में छापा मारा गया, जहां पर साबुन व हैंड वॉश निर्मित किया जा रहा था। वहीं चेकिंग के दौरान 44 बैग नेम कोटेड एनएफएल भटिंडा कंपनी द्वारा निर्मित पाए गए, जो कि घोर अपराध है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में टेक्निकल ग्रेड यूरिया ही यूज होता है। इसके अलावा कोई और यूरिया यूज नहीं कर सकते। इसके रेट में काफी डिफरेंस है, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों को इसमें काफी सब्सिडी दी जाती है। वहीं इंचार्ज ने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग टीम और एग्रीकल्चर से क्यूसीआई ज्वाइंट टीम ने एक सूचना के आधार पर संत नगर में एक मकान में छापा मारा, जहां पर साबुन हैंड वॉश वगैरह निर्मित किया जा रहा था। लेकिन वहां सारा जांच करने पर वहां पर 44 बैग नीम कोटेड एनएफएल भटिंडा कंपनी निर्मित द्वारा निर्मित पाए गए, जो कि एफसीयू के अनुसार घोर अपराध है, क्योंकि इन औद्योगिक क्षेत्र में नीम क्या नाम टेक्निकल ग्रेड यूरिया ही यूज होता है, दूसरा यूरिया यूज नहीं होता। उसके रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है, सरकार किसानों को काफ़ी सब्सिडी देती है, इसलिए ये नीम कोटेड यूरिया इसमें यूज नहीं किया सकता। ये इनका एफसीयू की जो भी धाराएँ हैं उनको लगाकर हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है, अभी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें दीक्षित ओबराय जो इसका मालिक है उसके नाम पर एफआईआर दर्ज करवाई है। ये बताया कि मेरा पिताजी पहले करते थे, वो अभी 21 में एक्सपायर हो गए, उसके बाद हम कर रहे हैं और हम पहले यूज़ नहीं करते थे, जैसा कि ने अपने हिसाब से बताया, हमें तो मौके पर बरामद मिले हैं। कार्रवाई सर आपकी तरफ से क्या है? एफआईआर दर्ज और एफसीओ और एसेंशियल कमेटी एक्ट के तहत, एसेंशियल कमेटी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और मेरा मैं शमशेर सिंह दलाल, क्यूसीआई पानीपत।